कनाडा में अभी नर्सिस की शॉर्टेज चल रही है, नर्सिंग के प्रोग्राम भी ओपन हो रहे हैं। जीएनएम नर्सिंग किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिले इमिग्रेशन के इस चैनल में मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस चैनल के बारे में एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी। इस चैनल में हम विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन वीज़ा के साथ जुड़ी हुई कई सारी न्यूज़, अपडेट और माहितीज़ के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, हाल ही की एक अपडेट के अनुसार अभी कनाडा में एक न्यूज़ आई है कि कनाडा में अभी नर्सिस की शॉर्टेज चल रही है, तो इसकी वजह से कनाडा में काफ़ी सारे नर्सिंग के प्रोग्राम भी ओपन हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, अभी नर्सिस और नर्सिस एड को भी एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन माना जाएगा। इसकी वजह से कनाडा के हेल्थ सेक्टर के ह्यूमन रिसोर्स में भी हेल्प हो सकती है। और अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो अभी अभी कोनेस्टोगा कॉलेज ने इसके लिए 3 कोर्सेज ओपन किए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज पीजी प्रोग्राम्स है, तो डेफिनेटली आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस कॉलेज में एप्लीकेशन करने के लिए IELTS की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो रहती ही है, लेकिन 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपके जो GNM नर्सिंग का एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो वो भी इसमें एक्सेप्टेड है। यानी अगर आपने GNM नर्सिंग किया हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये PG प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज के बाद से कनाडा में भी हेल्प हो सकती है कि जो अभी नर्सिंग की शॉर्टेज चल रही है तो उसमें काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। तो अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी कोनेस्टोगा कॉलेज में सितंबर 2023 इंटेक के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो GNM नर्सिंग का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी इसमें एक्सेप्टेड हो सके। तो इससे कई सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी आज के कनाडा की नई अपडेट। और आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो ये वीडियो आपको पसंद तो ज़रूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स तक भी पहुँचाइए, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।